अपने घर में पढ़ना मुश्किल होता है। इसने अपने निजी संबंधों का दुरुपयोग कर जो हमारा आर्थिक शोषण किया है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उसको स्नेह प्रदान करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः अपने इस प्यारे जनपद को धन्यवाद देता हूँ कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे इस परिवार में जन्म मिला। मैं धन्यवाद फिर से देना चाहता हूँ उन्हीं फाउंडेशन ट्रस्ट, इस पूरी ब्रिगेड को, और विशेष धन्यवाद वास्तव में मैं अभिभूत होता हूँ। मैं दो तीन बार तो मेरी आँखें छलक आईं जब मैंने बड़े भाई डॉक्टर आलोक पांडे जी का समर्पण इस कार्यक्रम के प्रति देखा। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी सम्मानित कवियों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे निवेदन को आप सभी ने स्वीकार किया और आज अपनी उपस्थिति आज यहां पर इस पावन भूमि पर दर्ज कराई। मैं अपने क्रम में हूं, अपना काव्य पाठ करना चाहता हूं, अपने घर के आंगन में हूं। कितना आशीर्वाद, कितना प्यार आप मुझे देंगे ये मैं देखना चाहता हूं। स्वागत है बेटा। ये निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी सफलता मिलती है जब अपने घर में आपके अपने लोग आपका सम्मान करें। मैं पुनः कहता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, एक बार मेरे काव्य पाठ में भी आपकी तालियां, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मुझे सूचित करे और मुझे बल, मुझे हिम्मत, मुझे ताकत दे कि मैं इस तरह के साहित्यिक अनुष्ठान आप सबके बीच कर सकूं, देश के मंचों पर कर सकूं। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, कहरा सुलेमपुर मेरा गांव है। मेरे पिता श्री विजय बहादुर सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं। क्या बात है। मैं एक सैनिक के मन की ही चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हमने वो दिन देखे हैं, महसूस किए, इसलिए कहना चाहता हूं, क्या होते हैं ये हमारे सैनिक, कौन होते हैं हमारे सैनिक। एक बार आप अपना मन मुझे दीजिएगा, मैं बहुत कम समय में कुछ अच्छा देकर जाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है। कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। कौन है ये सैनिक, सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी शीश वतन ने प्रणाम करता हूं। अभी भी कुछ हाथ खामोश है। घर के आंगन में कितना प्यार मिलना चाहिए मैं एक बार फिर देखना चाहता हूं। आगे से लेकर पीछे तक मैं सबका समर्थन चाहता हूं कि अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, क्या है ये सैनिक, अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं, इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है, इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है, इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है, इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ, सैनिक के चरणों में। बहुत अच्छा। अपना शीश झुकाता हूँ। लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था, जेएनयू में देश तोड़ने वालों का दल पलता था, केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो, भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे। बहुत अच्छे बेटा। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक विशेष रचना से जोड़ता हूं। मित्रों, हमारे देश में जब भी कोई आतंकी वारदात होती है, हमारे घर हमारे परिवार के जवान अपनी शहादत देते हैं, उस समय अक्सर जिम्मेदार लोग मीडिया के सामने आते और एक बयान देते हैं। उनका वो बयान टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज बनता है। इन्होंने दुख व्यक्त किया, उन्होंने दुख व्यक्त किया। आप अपने देश के हर आतंकी हमले के बाद का वो दृश्य थोड़ी देर अपने मन में रखिए जो आपने टीवी चैनलों पर देखे नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस किए। मैं आपको एक संवेदना की कविता के माध्यम से ये बताना चाहता हूं आखिर इस तरह के आतंकी हमलों से सच्चा दुख किसको होता है। संवेदना की कविता है, आपकी संवेदना छल के एक बार फिर तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है, पढ़िए। कि दुश्मन ने फिर वार किया है, हम पर बड़ा प्रहार किया है। यदि इस समय किसी भी पार्टी किसी सभा से जुड़े हैं तो थोड़ी देर वो आवरण आप नीचे फेंकिए और एक सच्चा हिंदुस्तानी बनकर आप मुझे सुनिए। बहुत अच्छा। कि दुश्मन ने फिर वार किया है, हम पर बड़ा
प्रहार किया है, माँ ने है फिर लाल खो दिया, दृश्य देखकर काल रो दिया, आतंकी बम फेंक रहे हैं, ये सब रोटी सेक रहे हैं, ये कहते हैं मुझको दुख है, वो कहते हैं मुझको दुख है, तुम क्या जानो किसको दुख है, तुमको तो सत्ता का सुख है, तुम क्या जानो किसको दुख है, तुमको तो सत्ता का सुख है, तुमने दुख झेला ही कब है, कष्टों से खेला ही कब है, तुमको होता दर्द कहाँ है, इन हमलों से फर्क कहाँ है, तुमको होता दर्द कहाँ है, इन हमलों से फर्क कहाँ है, कि जो रोया है उसको दुख है, जिसने खोया उसको दुख है, कौन दुखी होता है इन हमलों से, जो रोया है उसको दुख है, जिसने खोया उसको दुख है, आज अवध की शाम दुखी है, हर एक पावन धाम दुखी है, दिवाली व ईद दुखी है, धर्मों की उम्मीद दुखी है, सारे ज्योतिर्लिंग दुखी है, गुरु तेग गोविंद दुखी है, बांसुरिया की तान दुखी है, गीता और कुरान दुखी है, बांसुरिया की तान दुखी है, गीता और कुरान दुखी है, गंगा जी का नील दुखी, और कहां पहुंचता है ये दुख, गंगा जी का नीर दुखी है, गौ माता का छीर दुखी है, पर्वत और चिनार दुखी है, केसर घुली बहार दुखी है, आज दुखी है डल का पानी, आज दुखी है डल का पानी, बहुत दुखी है झेलम रानी, बहुत दुखी है झेलम रानी, कि गांवों की गलियों को दुख है, और कहां पहुंचा है ये दुख, गांवों की गलियों को दुख है, फूलों को कलियों को दुख है, ताल तलैया नहर दुखी है, नदियों की हर लहर दुखी है, सरसों गेहूं धान दुखी है, खेत और खलियान दुखी है, पत्नी का सिंदूर दुखी है, दीपक बुझा कपूर दुखी है, रोता बूढ़ा बाप दुखी है, गायत्री का जाप दुखी है, माँ की सूनी गोद दुखी है, बच्चों का आमोद दुखी है, हिमराजा का मान दुखी है, पूरा हिंदुस्तान दुखी है, पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, धन्यवाद। आइए मैं एक मंचों से हटके आज एक विशेष रचना पढ़ना चाहता हूं। आज बड़े लोगों की उपस्थिति में मैं पहली बार आपको शब्दों के माध्यम से पूरे देश की यात्रा कराना चाहता हूं। समय की अपनी एक मर्यादा है, एक बार मैं आपका साथ चाहता हूं। अपने घर के आंगन में आज आपने अगर ये कविता पास की तो निश्चित तौर पे देश के महनीय कवि आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, श्री विनीत चौहान जी, राजेंद्र राजन जी की उपस्थिति में मैं ये वादा करता हूं कि देश के अन्य मंचों पर भी मैं ये कविता पढ़ सकूंगा। स्वागत है बेटा, पढ़िए। शब्दों के माध्यम से पूरे देश की यात्रा, थोड़ी देर आप अपना मन फिर मुझे दीजिएगा कि आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे, नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दिवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, बैलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलिहानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, और मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वजू में, आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बंद रखता हूं मैं, और एक बार फिर आपका साथ चाहता हूं। स्वागत है बेटा। कि घूमे खुसरो की मुकरी तक, मैं मंच का भी विशेष आशीर्वाद चाहता हूं, ध्यान चाहता हूं, कि घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साखी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक, चले जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक, चले कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, कि मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सत सैया तक। बहुत अच्छे बेटा,
चले बिहारी सतसैया तक, अच्छा घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रियतम नव बेला तक, भद्र दूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मि रथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गोरा वज तक, विंध हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंद बंद में बदी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत झूमे। वाह जिंदाबाद बेटा, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा। एक अंतिम बंद रखता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्मरण उल्लेख अलंकार का अद्भुत प्रयोग है, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का आशीर्वाद मिला, मेरे घर के आंगन में मुझे प्यार मिला, मैं अभिभूत हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। एक अंतिम विशेष बंद रखता हूँ कि घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की, वीर रस के कवि हम तालियां बजवाने पे आए, सब लोग जानते हैं कि अब दो मिनट लगेगा आप तालियों के हुजूम में बदल जाएंगे, लेकिन आपने एक अच्छी कविता पे अपना आशीर्वाद दिया, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे बेटा, कि घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिद्धा लोहरी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, गुप्त वंश के राज मगध तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, नक्शा अपने मन में रखिएगा, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरवन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उजयंत महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के भंडारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेट का चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, युद्ध भूमि हल्दी घाटी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचीन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, हनुमान महके जिंदाबाद। क्या बात है बेटा, वाह वाह, क्या कहने का, दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए बच्चे के लिए, क्या बात, वाह वाह। ये देखिए बड़ी बात है कि अपने ही शहर में हमें ये लोकली इतना अच्छा ले रखा है, तो बाहर भी क्यों नहीं है।